हेलो फ्रेंड्स, आई शालिनी वेलकम यू ऑल टू लर्नर्स एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेज कलर एंड पेज बॉर्डर्स। सबसे पहले पेज कलर और पेज बॉर्डर ऑप्शंस हैं वो हमें डिज़ाइन टैब के अंडर पेज बैकग्राउंड ग्रुप में मिलेंगी। पेज कलर, अगर आपने किसी भी अपने डॉक्यूमेंट के पेज को कोई पर्टिकुलर कलर प्रोवाइड करना है तो आप वो कलर चूज़ कर सकते हैं और वो पेज के बैकग्राउंड पे कलर सेट हो जाएगा। इसी तरह अगर आप किसी भी पेज के बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा किसी मैगज़ीन में देखा होगा या किसी बुक में देखा होगा, या फिर आप अपना कोई आर्टिकल लिख रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप अपने पेज को एक बॉर्डर प्रोवाइड करें, तो वो आप पेज बॉर्डर ऑप्शन की हेल्प से कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे ये मेरा एक डॉक्यूमेंट है और मैंने इसको एक पेज कलर देना है, तो उसके लिए हम डिज़ाइन टैब के अंडर पेज बैकग्राउंड में हमारे पास ऑप्शन होती है पेज कलर। तो ये देखिए, ये बहुत सारे स्टैंडर्ड मेरे पास कलर्स अवेलेबल हैं। इनमें से कोई भी कलर आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपने पेज के लिए। तो जैसा भी आपको कलर देना है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड कलर्स भी अवेलेबल हैं। अगर आपने कोई कलर नहीं देना तो आप नो कलर पर क्लिक करेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट पर कोई कलर नहीं आएगा। आप शेडिंग ऑप्शन भी प्रोवाइड कर सकते हैं, एक से ज़्यादा आप कलर्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं। वो ऑप्शन आपको पेज कलर के अंडर फिल इफ़ेक्ट्स में मिलेगी। तो आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ऊपर लिखा गया है कलर्स, आपने सिंगल कलर करना है, टू कलर्स करना है या प्रीसेट ऑप्शन को यूज़ करना है। जैसे मैंने टू कलर्स पर क्लिक किया तो कलर वन एंड कलर टू ये आपने सिलेक्ट करना है। तो ये देखिए, ये मेरा यहाँ पे सैम्पल डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ से आप अपने शेडिंग स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं, वर्टिकली, डायगनली, आप जैसे भी आप शेडिंग इफेक्ट देना चाहते हैं। तो मैंने वर्टिकल पे क्लिक किया और मैंने इसको ओके किया। तो अब आप देख सकते हैं मेरे एक पेज पे दो शेड्स आ चुकी हैं। और कलर देने के लिए ये सारे आपके पास स्टैंडर्ड कलर्स हैं। अगर इनमें से आपको कोई कलर नहीं सूटेबल मिला, और कलर्स देने के लिए आप क्या करेंगे, मोर कलर्स पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे स्टैंडर्ड कलर्स हैं, यहाँ से आप कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं और ओके कर सकते हैं। तो इस तरह आप अपने किसी भी डॉक्यूमेंट को पेज कलर जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पेज बॉर्डर। तो जैसे मैंने पहले भी बताया, अगर आप कोई बुक लिख रहे हैं या फिर कोई आपने आर्टिकल लिखना है, उसके लिए आपको एक स्टैंडर्ड बॉर्डर चाहिए होता है। तो यहाँ पे पेज बॉर्डर की बहुत सारी ऑप्शंस हैं। जैसे मैंने पेज बॉर्डर ऑप्शन पे क्लिक किया, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। तो इन ऑप्शंस को हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है स्टाइल, कि जो आपने बॉर्डर की बाउंड्री देनी है उसकी जो लाइनिंग होगी वो किस स्टाइल में होगी। तो ये सारी कलर्स, ये ऑप्शंस जो हैं स्टाइल के, ये अवेलेबल है। ये देखिए, जिगजैग ऑर्डर में अगर आपने बाउंड्री प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट होता है कलर, आपने जो बॉर्डर देना है उसका एक पर्टिकुलर कलर रखना है। बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक सिलेक्ट है, अगर आपने कोई और स्टैंडर्ड कलर सिलेक्ट करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट होती है विड्थ, कितनी विड्थ आपने देनी है बॉर्डर की। तो यहाँ पर आपके स्टाइल हैं, बॉक्स चाहिए, शेडो टाइप में आपको बॉर्डर चाहिए, 3D इफेक्ट में बॉर्डर चाहिए, तो ये सारे बॉर्डर की ऑप्शंस है। तो मैंने बॉक्स पे क्लिक किया है और इसको मैंने कर दिया ओके। तो अभी आप देख सकते हैं मेरे डॉक्यूमेंट पे ये जो है पेज बॉर्डर जो है जिगजैग मोशन में अप्लाई हो गया है। तो यहाँ से अगर आप इसकी विड्थ इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से विड्थ इंक्रीज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन आपको मिलेगी आर्ट की, इसमें कुछ आपको इमेजेस मिलेंगी, ये भी आप अपने बॉर्डर पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कई बार कुछ डायग्राम्स भी बनी होती हैं आपके बॉर्डर पे, तो इसमें से कोई भी इफ़ेक्ट आप देना चाहते हो, आर्टिस्टिक इफेक्ट अपने बॉर्डर को, तो वो भी आप यहाँ से दे सकते हो। आपने सिंपली इसको सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर आप प्रीव्यू में चेक कर सकते हैं इस तरह का बॉर्डर आपका अपीयर होगा। तो ये देखिए, तो इस तरह का मेरा जो बॉर्डर है पेज पर वो बन के आ चुका है। तो इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट की जो लुक है वो पेज कलर और पेज बॉर्डर से चेंज कर सकते हैं। आई होप आपको ये ऑप्शंस दोनों क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।